वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीजीटी की वैकेंसियाँ जल्दी ही आने वाली हैं, तो उसकी प्रिपरेशन यदि कर रहे हो तो प्रिपरेशन करो। और इसमें ये जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो यदि प्रिपरेशन आप पीजीटी की कर रहे हो या जीआईसी लेक्चरर की या एनटीएन नेट की, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो आपका है पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। वो इसलिए यहाँ पर दो डेट दी हुई हैं, ईयर्स दिए हुए हैं, क्योंकि जो वैकेंसी आई थी वो 2016 में आई थी, जो होते होते एग्ज़ाम हुआ था 19 में, ठीक है। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था जो पीजीटी का, तो उसका भी मैंने पेपर सॉल्व कराया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट कर लीजिएगा। उस पेपर भी सॉल्व किया हुआ है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी लग जाइए करने में, क्योंकि अब वैकेंसी जल्द ही आ जाएंगी। नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो पीजीटी की वैकेंसियां हैं जल्द ही अपडेट हो जाएंगी, तो जो इस बार रह गए थे वो अपनी कमर कस लें और इस बार निकला ही है पीजीटी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और जो अभी रिसेंटली अब इस पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि इसका सिलेबस की वीडियोज़ मैंने बनाई है, को क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी मैंने बताया है, तो आप उसे भी देख सकते हो कि इस पीजीटी का सिलेबस क्या है, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर मैंने सॉल्व कराया है, तो उसे भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम अभी जो रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले मैं सिलेबस बता दिया, अब हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, पेपर होंगे, उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे, ठीक है। सिलेबस के बाद एक सिलेबस टॉपिक फिनिश हो जाने के बाद हम उसका जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि फर्स्ट टाइम आए हैं और इसी तरह चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये जो वीडियोस है प्रोसेसिंग पे आ जाती है, और नेक्स्ट जिनको हेल्प वाकई इसकी ज़रूरत है तो उन्हें ये प्रोवाइड हो जाती है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2016 का, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए योजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसमें योजनाएं दी हुई हैं, जो इंदिरा गांधी आवास योजना वगैरह, जो भी रिसेंटली जो योजनाएं मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उन पर ही अपनी पकड़ रखी है, प्लस जो हमारी जो योजनाएं पहले चली थीं पंचवर्षीय योजना, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसे भी आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। समुदाय विकास योजना ये आई थी आपकी 1952 में, ठीक है। और इस योजना को कई पंचायतों को मिलकर एक विकास खंड होता है। इस योजना में क्या होता है, सामुदायिक विकास योजना में जो कई पंचायतें होती हैं उनका विकास खंड होता है, इसका मुख्यालय जो होता है सामुदायिक विकास केंद्र कहलाता है। और एक जिले में कई सामुदायिक केंद्र होते हैं। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। तो ये और कोई नहीं, हमारे मार्क्स जी हैं, कार्ल मार्क्स जी। आंसर हमारा सी राइट होगा। और कार्ल मार्क्स जो हैं हमारे, वो हैं जर्मन समाजशास्त्री, और इन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्री भी कहते हैं। इन्होंने पूंजीवाद को विकास के जो प्रोटेस्टेंट धर्म है शिक्षा से जोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने चार धर्मों के बारे में बताया है डिटेल में। इन्होंने कहा कि धर्म जो होता है, जैसे मार्क्स कहते हैं धर्म जो है अफीम की तरह है, तो बेबर कहते हैं ये धर्म से काफ़ी हेल्पफुल है। धर्म धर्म के माध्यम से जो समाज में व्यक्ति होते हैं वो कार्य करते हैं। इन्होंने धर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताया है।
ईमेल डरखाइम भी तथ्यों की बात करते हैं, जो हमारे ईमेल डरखाइम है ये तथ्यों की बात करते हैं, इन्हें आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। उद्विकासी जो सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर का है वैसे देखा जाए, ठीक है, तो इन्होंने समाजशास्त्र में ये दिए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासी सिद्धांत के बारे में बताते हैं, इन्होंने सर्वेयी सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने समाज को एक मनुष्य के शरीर के अंग के समान माना है, और शरीर का अंग जिस तरीके से कार्य करता है वैसे ही समाज आपस में मिल के वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। तो जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा और सहयोग और परस्पर आश्रित हैं, संघर्ष जो होता है सब एक दूसरे पर, सहयोग और प्रतिस्पर्धा जो होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है, वे मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये किसने कहा है? तो ये जो कहा है कॉन्सेप्ट, ये हमारा जो है वो है के डेविस का। के डेविस कहते हैं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है, जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा और सहयोग आपस में आश्रित हैं। किसने कहा है? डेविस जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के चार स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किया है? तो ये जो स्त्रीकरण है समाज में, चार स्वरूप बताए हैं, जैसे दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग, इसे किसने वर्गीकृत किया है स्त्रीकरण के आधार पर? तो ये जो है हमारे बॉटोमोर हैं, इन्होंने दास, फिर जागीरें बताई, फिर जातियों के बारे में बताया, फिर सामाजिक वर्ग के बारे में बताया, इस आधार पर सामाजिक का स्त्रीकरण बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो समाज का उद्विकास का जो सिद्धांत है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? तो शारदा एक्ट जो है वो पारित हुआ था बाल विवाह रोकने के लिए। शारदा एक्ट जो पारित हुआ था वो बाल विवाह जो प्रतिबंध था, उस ये अधिनियम 1929 में आया था, और इसका जो था जो लड़कियां थीं, लड़कियों को शादी की उम्र 18 तय की गई थी, और जिसके बाद इन्हें क्रमशः 18 और 21 के आधार पर, लड़की की उम्र 18 और 21 लड़के की होनी चाहिए, इस तरीके से इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये एक्ट आया था शारदा एक्ट, ये पारित हुआ था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये पारित हुआ था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमांड गृह और बोस्टर स्कूल के सुधार के लिए, किसके सुधार के लिए बने हैं? तो ये जो आंसर आपका है, ये बाल अपराधी हैं, जो बाल अपराधी होते हैं उनके सुधार के लिए ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चयक कौन है? जो जनसंख्या है, ये जो ऑप्शन दिए हैं, जन्मदर, देशांतर गमन, मृत्यु दर, ये जो ऑप्शन है ये सभी हैं, तो आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, तो वंश के आधार पर किसने बताया है? ये एक की पॉइंट है, वंश के आधार पर जो बताया है हमारे सीएच कूले जी ने, ठीक है। सीएच कूले ने जो वर्ग को है वंशानुक्रम के आधार पर पारित किया है, उसे ये जाति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका सी 1955 में,
तो अस्पर्शता जो निवारण अधिनियम था 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने देखा या वर्णित किया है? ये हमारे कोजर जी हैं, लेविस कोजर। ये इन्होंने कार्ल मार्क्स के मतलब पक्ष में रहे हैं, और इन्होंने कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं जो संघर्ष से रिलेटेड जो उनका कॉन्सेप्ट है, संघर्षवादी हैं, परिप्रेक्ष्य को अपनाया है, और इन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा जो होती है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है आपस में झगड़ा करना, तो ये शांतिपूर्ण संघर्ष इस चीज़ को मानते हैं। कंपटीशन करना, आपस में कंपटीशन, जैसे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, ये प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा है, जैसे शांतिपूर्ण संघर्ष इन्होंने माना है। ठीक है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा यदि जाए तो ये है हमारा समाज, सोसाइटी का। ये सब सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, और समाज, ठीक है, सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,